हेलो गाइस, माय नेम इज दीपशिका। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको सैर कराने वाली हूँ लाहौल रीजन के एक बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज जिसका नाम है जिस्पा। जिस्पा जो है वो मनाली से लेह जाने के रास्ते में पड़ता है एंड मोस्टली जो लोग हैं वो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, नाइट स्टे करते हैं और फिर नेक्स्ट डे लेह के लिए निकल जाते हैं यहाँ से। बट हम लोग आए हैं जिस्पा को एक्सप्लोर करने के लिए। सो बहुत ही खूबसूरत विलेज है ये। एंड एक बार जब आप जिस्पा पहुंच जाते हो तो यहाँ पर आकर आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ के व्यूज़ कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, लेट्स एक्सप्लोर जिस्पा। जिस्पा आप कैसे पहुंच सकते हो, सबसे पहली बात हम ये करते हैं। सो मनाली से जिस्पा की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर्स का है एंड जिसे आप 3 से 4 घंटे में आराम से कवर कर सकते हो। और रोड्स जो हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं रहेगी, क्योंकि जो पूरी जर्नी है वो इतने ब्यूटीफुल रास्तों से होकर गुज़रती है। रास्ते में आपको बहुत ही यूनिक और बहुत ही अमेजिंग लैंडस्केप देखने को मिलेगी एंड रास्ते में आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स, सिसू वाटरफॉल, सिसू नर्सरी और किलोंग जो कि लाहौल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो वहां से होकर आप आओगे। एक बार जब आप किलोंग पहुंच जाते हो तो किलोंग से जिस्पा का जो डिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 25 to 27 किलोमीटर्स, सो वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, हम पहुंच गए हैं जिस्पा। सो दिस इज आवर कॉटेज, इट इज कर्मा कॉटेज एंड इट इज नेस्टेड एंड सराउंडेड बाय सो ह्यूज माउंटेन्स एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल। सो यहाँ पे इस तरह की कॉटेजेस भी हैं एंड कैंप्स भी हैं, इन केस इफ़ यू वांट टू स्टे इन कैंप्स तो आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। सो गाइस, दिस इज आवर रूम, द बेसिक वन, बट यू डोंट नीड एनी लग्जरी व्हेन यू आर सराउंडेड विद दिस व्यू। अभी हमने अपने कैंप्स में, कॉटेज में चेक इन किया है एंड इसके बाद हम जा रहे हैं रिवर साइड। सो जिस पा का मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे देती हूँ। सो कुछ लोग यहाँ मज़ा ले रहे हैं ऑफ रोडिंग का भी, रिवर साइड पे अपना बाइक और कार राइडिंग करके, एंड आप मज़ा लो इन खूबसूरत नज़ारों का। Thank you.
जैसा कि आप देख सकते हो अभी मैं हूँ लाहौल में एंड लाहौल के जिस्पा में है अभी हम। बहुत प्यारा विलेज है एंड यहाँ पे करने के लिए एज सच बहुत कुछ नहीं है, बस नेचुरल ब्यूटी है। जब भी आप यहाँ पर आते हो तो अपने आप को माउंटेन से, रिवर से सराउंडेड पाते हो। इसके अलावा रिवर साइड आप जाके टाइम स्पेंड कर सकते हो। मॉनसून के टाइम अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पे रोड के आसपास छोटे छोटे बहुत प्यारे, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स खिले हुए हैं पे एंड बीच बीच में वाटर स्ट्रीम्स हैं। एंड व्हाट एल्स डू यू नीड, आई एम जस्ट मेस्मराइज्ड बाय दिस ब्यूटी व्हिच आई एम सराउंडेड विद। अगर हम बात करें कि जिस्पा में आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, तो जिस्पा से अगर आप ले नहीं जाना चाहते हो तो जिस्पा से 25 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे दीपक ताल है जो कि बहुत ही खूबसूरत हिमालयन ग्लेशियर लेक है, तो वहाँ आप जा सकते हो। इसके आगे अगर और जाते हो तो सूरज ताल है विच इज़ अनदर ग्लेशियर लेक और बहुत ही खूबसूरत लेक है। एंड उसके थोड़ा आगे ही बारालाचा पास विच इज़ द वेरी वेल नोन माइलस्टोन एंड अ लैंडमार्क ऑन द लेह मनाली हाईवे। सो हम लोग जिस्पा पहुँचे थे अराउंड 4 बजे के आसपास हम लोग जिस्पा पहुँचे थे एंड उसके बाद थोड़ा रिफ्रेश होके और फिर हम रिवर साइड गए एंड वहाँ जाके हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम वापस अपने कॉटेज आके फिर ये रोड साइड आ गए थे, तो रोड साइड भी इतनी खूबसूरत ब्यूटी है एंड सनसेट का टाइम हो गया तो एंजॉय करते हैं नज़ारे। अभी हो चुका है सनसेट एंड हम निकले हैं इवनिंग वॉक पे। वैसे तो हम पूरा टाइम बाहर ही थे बट जैसे ही सनसेट हुआ तो काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे। सो अभी हमने ये स्वेटर्स, शॉल सब कुछ अपने साथ कैरी कर लिया है। उसके बाद वापस हम बाहर आ गए हैं। आप देख सकते हो कि लैंडस्केप में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, टेम्परेचर भी क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है एंड एयर क्वालिटी सो गुड, प्योर एयर। सनसेट जैसे ही हुआ काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है एंड टेम्परेचर अभी का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 9 to 10 degrees। रात में टेम्परेचर और ज़्यादा डिप कर जाएगा। सो अगर इस टाइम पे आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको भी वूलन्स कैरी करने होंगे अपने साथ। है तो बहुत छोटा सा विलेज लेकिन चारों तरफ से मैसिव हिमालयन माउंटेन से सराउंडेड है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। एंड बीच में से एक छोटी सी रोड जा रही है दैट इज़ लेह मनाली हाईवे। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। एंड कल का जो प्लान है वो दैट इज़ नॉट डिसाइडेड येट, सो अभी हम देखते हैं कि कल का हमें क्या प्लान करना है एंड कल क्या एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल तो जाएंगे अपने कॉटेज में और एक बढ़िया सा डिनर करेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे। और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी एंड वीडियो पसंद आई हो, ये जगह पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे लाहौल वैली के और भी खूबसूरत वीडियोस आने वाले हैं, सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।